So, contrary to his characters, you know, he plays negative characters a lot, he plays villain a lot. He's the complete opposite. Like, on the coconut, because by his montage, chilling, but inside, he's the softest human being I've ever met. He's so empathetic. And everyone he joins with, he just somehow takes care of everybody. So, that's one thing I love about him. Sara Bilal Abbas Khan, your final one. बिलाल अपने काम को लेके इतना पैशनेट है कि वो कैरेक्टर बन जाते हैं. वो देवदास था सेट पे, लिटरली देवदास था. और वो फोनी बहुत है. बिलाल को अच्छा खाना बहुत पसंद है. मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बताया था कि उसको अच्छा खाना चाहिए, जिससे उसका मूड अच्छा है बुरा भी हो सकता है. अगर खाना बुरा हो तो दिन बुरा गुजरता है, यानी कि सेट पे किसी काम नहीं होता. नहीं, कैरेक्टर तो नहीं खराब रहता, लेकिन हाँ, वैसे मूड थोड़ा ऑफ हो सकता है. एंड आइजा, द फाइनल वन फॉर यू, सारा खान. सारा खान, सारा को तो जब हमने काम किया था लापता में, तो सारा एक्सपेक्ट कर रही थी. और सारा की एक अच्छी बात यह है कि वो भी इवन वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि सब चीज़ें थी, बट वो हमेशा सेट पे सामने बैठी रहती, वहीं चेयर रख के, वहीं अपना पेट रख के साथ बैठी रहती थी. और कभी उसने पता नहीं लगने दिया कि कोई प्रॉब्लम है, नहीं सीन करा सकते या चलो खड़ी नहीं हो सकती. तो बहुत पैशनेट के साथ काम किया है. मुझे लगता है यही चीज़ आगे जनरेशन में इसकी जाएगी. For your questions as well. So we will have a microphone going around in just a moment. This gentleman over there.